सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे। पंचकुला में बीजेपी विधायक दल की बैठक में नायब सैनी को नेता चुन लिया गया। मीटिंग में विधायक कृष्णा बेदी ने नायब सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका अनिल विज और आरती राव ने समर्थन किया। कल शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। हरियाणा में इस बार बड़ी जीत हासिल की है अपने बूते भारतीय जनता पार्टी। एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है और लास्ट टाइम चेंजेस जो हुए थे पिछली बार हरियाणा में, 4 महीने पहले नायब सिंह सैनी को हरियाणा की बागडोर सौंपी गई थी, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। उसके बाद जब चुनाव हुए तो चुनाव में बीजेपी ने सफलता हासिल की। पिछली बार की तुलना में इस बार ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई और क्लियर मेजॉरिटी, बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने की स्थिति में थी। आज जो बीजेपी विधायक दल है, बैठक हुई और इस बैठक में नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। अमित शाह को खास तौर पर पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था हरियाणा का, उनकी मौजूदगी में ये विधायक दल की बैठक हुई थी जिसमें नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया और अब कल नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। बड़ा विश्वास जो हरियाणा की जनता ने आज तीसरी बार कंटिन्यूटी के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है, ये विश्वास, ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है, ये नरेंद्र मोदी जी की ही गारंटी है जिसके ऊपर आज हरियाणा ने विश्वास किया है और ये प्रण हरियाणा के लोगों ने लिया है कि हम मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विजय की गाथा, विकास की गाथा देश भर में रची गई, घड़ी गई, इसका ये विजय है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विजय है और प्रधानमंत्री जी की गरीबों के लिए जो संवेदना है इससे उपजी हुई, निपजी हुई नीतियों का ये विजय है। और देश भर के राजनीतिक परिदृश्य में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के अलावे किसी भी पार्टी का कई सालों से एक प्रकार से 80 के दशक के बाद लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनकर नहीं आता है। अगर आता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही आता है। इस बीच बीजेपी विधायक अनिल विज ने कहा कि सभी ने एकमत से विधायक दल का नेता चुना है, पार्टी मुझे चौकीदार बना देगी, मैं वो काम भी पूरी निष्ठा के साथ करूंगा। नहीं, प्रस्ताव किशन बेदी ने रखा था, मैंने सेकंड किया था। एक टाइम आपने भी कहा था कि मैं भी मुख्यमंत्री के लिए, कोई भी बन सकता है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है, इसमें क्या किसी के ऊपर बैन थोड़ा। आपने अपना सेंटीमेंट दस, हाँ हाँ, नहीं नहीं, ये देख रहा पार्टी का काम होता है, हमारी एक पार्टी है और हमारा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है और यहाँ पर पूरे प्रजातांत्रिक तरीके से अमित शाह जी के सामने चुनाव हुआ है, सर्वसम्मति से सबों ने तय किया। नहीं देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो खास बात है कि पहली बार कोई सरकार तीसरी बार रिपीट होने जा रही है, ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। नहीं, मैं तो कभी मांगता नहीं ये। पिछली बार सर सैनी कैबिनेट में पिछली बार आपने मना कर दिया था, इस बार तो ऐसा नहीं हुआ। नहीं नहीं, वो कोई और विषय था, मैं कभी मांगता नहीं, पार्टी जहाँ ड्यूटी लगाती है वहाँ डट के करता हूँ। नहीं नहीं, कहीं दरकिनार नहीं किया, कहीं मैंने बोला नहीं था, मैंने खाली एक स्पष्टीकरण दिया था कि जो मेरे बारे में गलत बात कही जा रही थी कि अनिल विज बनना नहीं चाहता, तो मैंने वो स्पष्टीकरण दिया था। राव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मैम क्या कहेंगे, विधायक दल की बैठक हुई है? जी हाँ जी, सहमति से हमने नायब जी को चुना है, नायब जी सैनी को चुना है और वो बनेंगे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर। तो विधायक दल का नेता चुन लिया जी, बिल्कुल। तो सरकार बनाने का दावा भी आज पेश किया जाएगा दोपहर को दो बजे। वो मुझे नहीं मालूम कब होगा, कैसे होगा, वो बाद में बता। आरती राव थी जिनका साफ तौर पर कहना है कि विधायक दल का नेता जो है वो नायब सिंह सैनी को चुन लिया गया है और आज ही सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश किया जाएगा।
तुषाम से बीजेपी विधायक श्रुति चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, विधायक दल का नेता जो है वो चुना गया है नायब सिंह सैनी को, सरकार बनाने का दावा जो है आज पेश किया जाए। जी बिल्कुल, और ये बहुत खुशी का क्षण है, तीसरी बार इतिहास रचाया है हरियाणा के लोगों ने, भाजपा को वापस लेके आए हैं, और ये झलकता है कि किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय सैनी साहब और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में कितना यहाँ पे नीतियाँ जो हैं जन जन तक पहुँचाई गई, और इस वजह से पूरे प्रदेश में आज आप देख रहे हैं कि कमल खिला। तो मैम, कल 24,000 नौकरियां भी दी जाएगी युवाओं को, ग्रुप और सी और डी के जो परिणाम जो है वो जारी किया जाए। जी बिल्कुल, जैसे सैनी साहब, माननीय सैनी साहब का ये संकल्प था कि हमारे जो बच्चे जो रह गए थे वो उनका तुरंत आते ही वो सारे के सारे डिक्लेयर हो जाएंगे, और वो कल कर रहे हैं तो पहली कलम से वो हो जाएगा। जिस तरीके से चुनाव के अंदर कांग्रेस जो है वो लगातार कह रही थी कि सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन वो 30 से 35 सीटों पर सिमट गई, और किस तरीके से देखते हैं, प्रभारी ने तो इस्तीफे की भी पेशकश कर दी, क्या लगता है आपको LOP और प्रदेश अध्यक्ष को भी इस्तीफा देना चाहिए? कांग्रेस को तो करारा जवाब लोगों ने दिया है, और अब कांग्रेस की क्या बात करनी, अब कांग्रेस की कोई कहानी नहीं, तीसरी बार लगातार भाजपा को जिताया है लोगों ने, और अब हमें काम करने हैं, कांग्रेस की कोई अब चर्चा नहीं है। बिल्कुल, श्रुति चौधरी है जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब कांग्रेस की चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जनता ने उनको जवाब दे दिया है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियों को लेकर जो है वो जनता ने वोट किया है, और तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार जो है वो बनने जा रही है। सांसद किरण चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, क्या कहेंगे, तीसरी बार हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार बनने जा रही है, श्रुति चौधरी भी जो है वो तुषाम से विधायक जो है वो चुनी गई है। एक इतिहास रचा है भाजपा ने हरियाणा के अंदर, क्योंकि हरियाणा में तो कभी सुना नहीं था कि तीसरी बार भी सरकार बनती है, और केवल इसलिए हुआ क्योंकि भाजपा की जो नीतियाँ हैं वो जनहित की नीतियाँ हैं, और जनहित की जो है उसको सर्वोपरि रखकर वो काम करा जाता है। और दूसरी तरफ जो है, जो विपक्ष था वो पूरी तरह से बिखरा हुआ था, ये बाप और बेटे के अलावा और कुछ रहा नहीं था, बाप और बेटा खुद ही के जो है जहाँ पर इनके चमचे नहीं लड़ रहे थे उनको ख़त्म करने में लगे हुए थे। तो इस तरह की बात जो है जनता ने देखी हुई है, इनके समय पर पूरी तरह से क्षेत्रवाद हुआ, पूरी तरह से भ्रष्टाचार हुआ, लोगों से जो है नौकरियों के ऊपर जो है अब तो खर्ची और ना पर्ची की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर करी गई, और सोशल मीडिया के ऊपर पूरी तरह से चला कि इनके लोग खुल्ला जो है वोट मांग रहे हैं इस बात पे कि इस बारी वोट दे दो, सारी नौकरियां हम देंगे, पहले अपना घर भरेंगे फिर देखी जाएगी किसी और के लिए, तो जनता ने इनको पूरी तरह से नकार दी। हम हार का कारण क्या देखते हैं, क्या कारण रहा कि कांग्रेस को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा? एक और एक खाली, ना तो इनके पास संगठन है, इनका खुद आप देख लीजिए, उदय भान जी जो इनके अध्यक्ष थे वही इतनी बुरी तरह से हार के निकल रहे हैं, तो जिसका अध्यक्ष का ही अपनी ज़मीन के ही ऊपर कुछ ना हो, और वो तो खास जो हैं हुड्डा जी के इधर, वो जो है बावरिया जी वो भी हुड्डा जी के अध्यक्ष जी, वो भी हुड्डा जी के, तो हुड्डा जी ने तो ये वो कहते ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी थी, अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो इस तरह से प्रोजेक्ट हो रही थी कि भ्रष्टाचारी है, पूरी तरह से क्षेत्रवादी है, पूरी तरह से नकारात्मक है, और सारे लीडरशिप को ख़त्म कर रही है, तो जनता ने उसका जवाब जो है बहुत अच्छी तरह से दिया। कांग्रेस प्रभारी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है दीपक बावरिया ने, क्या लगता है आपको कि प्रदेशाध्यक्ष और LOP को भी हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए? अगर नैतिकता अगर इनके अंदर है तो इनको अपने घर बैठ जाना चाहिए, सच्चाई तो ये है, लेकिन तो कल नायब सिंह सैनी एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, एक बार फिर से वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं, पंचकुला से ये खास रिपोर्ट आती है। हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और विधायक दल का नेता नायब सिंह सैनी को चुन लिया गया है। कल इसी मंच से नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए आपको नजर आएंगे, और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। ये वही सेक्टर 5 का दशहरा ग्राउंड है जहां पर 2014 में इतिहास रचने के बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार बनने के बाद जो है यहां पर शपथ ग्रहण समारोह जो है वो किया गया था, और एक बार फिर से
2024 में नायब सिंह सैनी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बनने जा रही है और मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी इसी मंच से शपथ ग्रहण करते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर इस शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करते नजर आएंगे और ना केवल प्रधानमंत्री बल्कि केंद्रीय मंत्री भी यहां पर जो है तमाम केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ भाजपा शासित जितने भी प्रदेश हैं वहां के मुख्यमंत्री जो है वो यहां पर पहुंचेंगे। ये विशाल पंडाल आप देख सकते हैं जहां पर हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट्स हैं उनको अगर आप देखें तो यहां पर जो है तमाम जो बैठने की व्यवस्था है अलग अलग जो कॉन्सेप्ट है वो भी दिखाने का काम किया गया है। वीर शहीदों के परिजन बिठाने के लिए प्रगतिशील किसानों को बैठने की जगह, जनप्रतिनिधियों के बैठने की जगह, स्वच्छता सेवियों के बैठने की वजह, समाज सेवियों के बैठने की जगह, इसी के अलावा प्रदेश के और समाज के अलग अलग तबकों के रिप्रेजेंटेशन करने वाले तमाम लोगों के लिए अलग अलग जगहें जो है वो निहित की गई हैं और ये विशाल मंच आप यहाँ पर दूसरी तरफ देख सकते हैं जहां से कल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेते हुए नजर आएंगे। उनके साथ उनकी कैबिनेट जो है वो भी यहां से शपथ लेती हुई नजर आएगी। तो ये विशाल मंच जो है वो अभी फिलहाल फाइनल प्रेपरेशंस जो हैं, तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन भव्य समारोह जो है वो आयोजित किया गया है और भव्य समारोह के साक्षी बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ प्रदेश और देश की सियासत से जो है संबंध रखने वाले मशहूर डिग्निटरीज जो हैं, गणमान्य हस्तियां जो हैं, वो इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगी। तो फिलहाल अंतिम तैयारियां चल रही हैं और यहीं से विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद नायब सिंह सैनी की ओर से राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया गया है। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद कल यानी के 17 तारीख को इसी दशहरा ग्राउंड से, सेक्टर 5 पंचकुला के इसी दशहरा ग्राउंड से सरकार जो है वो शपथ लेती हुई आपको नजर आएगी, यानी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनके कैबिनेट के सहयोगी यहां से शपथ लेने के बाद सरकार चलाने का काम जो है वो प्रदेश में करते नजर आएंगे। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज पंचकुला।